अनुपमा, आपके माथे पर तो बिंदी बहुत ही सुंदर लगती है। वैसे क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? क्या कुछ हुआ है यहाँ नया? क्या आया है कहानी में कोई नया ट्विस्ट? आइए देखें। स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में अनुज और अनुपमा की लुका छुपी वाली आशिकी देखकर मालविका बेहद हैरान है और देखिए कैसे दोनों को बार बार करीब लाने की कोशिश में लगी है। मुझे पता था। तो शु बेटा चलो। पापा मेरी आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग है तो मैं वो फिनिश करके आपको सीधे ऑफिस में मिलता हूँ। वहीं दूसरी ओर वनराज भी मालविका के सामने अपना इमोशनल गेम खेल रहा है। जिन लोगों से मैं दूर जाना चाहता हूं किस्मत बार बार मुझे उनके सामने लाके खड़ा कर देती है। तुम्हारे साथ बिजनेस किया तो तुम अनुज की बहन निकली, अनुपमा के साथ ऑफिस शेयर करना पड़ा और जैसे ये सब काफी नहीं था तो अब ये काव्या इस ऑफिस में आ गई है। मैं कुछ बोलता नहीं हूं लेकिन फर्क मुझे भी पड़ता है मालविका, सब मेरे पीछे लगे हुए हैं कि इस रिश्ते को एक और चांस दो। अरे क्यों दूं मैं? मुझे काव्या के साथ नहीं रहना है। अगर मेरी जगह काव्या ने डिवोर्स मांगा होता तो लोग कहते कि उसे आगे बढ़ने दो, नौकरी करने दो, काम करने दो, कुछ करने दो। अनुपमा ने डिवोर्स मांगा तो वो एक क्रांति हो गई, लेकिन मैं डिवोर्स मांग रहा हूं तो वो एक गलत बात है। ऑफिस सेम होने से क्या फर्क पड़ता है राज? तुम अपना काम करना, वो अपना काम करेगी ना, बिग डील? ज्यादा से ज्यादा एक आध बार सामने आ जाएगी, दैट्स इट। वो अकेले सामने नहीं आएगी मालविका, उसके साथ सारे झगड़े, बुरी यादें, सब परेशानियां सब वापस आएंगे। और जब किसी इंसान की बुरी यादें वापस आती हैं तो उसका क्या हाल होता है ये तुमसे बेहतर कौन जानता है। क्यूट होना या माय डॉलिंग्स। मुकु, तुम्हें अनु ने समझाया था ना कि यू कैन बी डूइंग दिस एवरी टाइम। हाँ, ये क्या है? इट्स ओके।